कि अपने आशीर्वचनों से हम सबों को लाभान्वित करें। बोलिए शुक्रदेव की। कैसे भाई, तो मौन है? भजन बिना समय बीत गए, संत पार उतर गए, भजन क्या है? भजन के बिना समय बीतता है तो सब जानते हैं, लेकिन भजन क्या है? भज सेवा धातु से बनना माना जाता है, इसलिए भज का पहला अर्थ है भजन का सेवा। भजन का अर्थ चुनाव ही होता है, चुनाव करना। भजन का अर्थ होता है चिंतन करना। जैसे रुई धुन धुन करके उसके रेसे रेसे अलग कर देता है धुनने वाला, सारे कचड़े छल जाते हैं, साफ रुई हो जाती है। धुनी हुई रुई बहुत अच्छी लगती है, और मशीन से जो कारखानों में धुनाई होती है, पहली बार मैंने देखा, एक कारखाना में लोग मुझे ले गए, मैनेजर की इच्छा थी कि मैं देखूं, बड़ा कारखाना था। वैसी धुनी हुई रुई मैंने कभी नहीं देखी थी, साफ कोमल। मन को धुनना भजन है। मनुष्य का जीवन ही है मनन योग के, मननात मनुष्य, मनन करने के कारण से इसका नाम मनुष्य है। लेकिन ये मनन नहीं करता है, विलास करता है, चिंता करता है। मनोविलास और मन से चिंता, मनन भजन है, मनोविलास बंधन है। एक बूढ़ा जवान होने की कल्पना करता है, मन ही मन में वो जवानी का उपभोग करता है, पैदल चलता है, लेकिन हवाई जहाज में मन ही मन से चलता है। बहुत साधारण स्थिति में है, लेकिन अरबपति होने की कल्पना करता है। काम भोग लोभ मोह, किसी को नीचा दिखाने की चेष्टा, अनेक कल्पनाओं में रहता है, ये मनोविलास। और चिंता करता, उद्विग्न होता है, मनन नहीं करता, मनन भजन है। रुई को जैसे धुना जाता है, मनन मन को धुनना, मनन का अर्थ है विवेक करना। मनन का अर्थ है जो जैसे है उसको उसी दृष्टि से देखना, जो जैसे है उसको उसी दृष्टि से देख लेना ही आत्म साक्षात्कार का द्वार है। आदमी वैसे नहीं देख पाता है, विपरीत देखता है। शरीर को ठीक से देख लिया जाए तो शरीर से वितृष्णा हो जाएगी। शरीर क्या है? कपड़ा हटा दो तो मैला चाम ऊपर से लपेटा है, चाम को हटा दो तो मांस है, गीला गीला, जो रक्त और पानी से लिबलिबा है, और उसमें नसें फैली हैं, मोटी और पतली अनेक प्रकार की है। उसको हटा दो, मांसपेशियों को, तो हड्डी का ढांचा है, उसके अंदर
टट्टी पेशाब की थैलियां लट गई, इतना भयंकर रोग। और एक एक रोग व्याधि इसमें अपना स्थान बना करके रहते हैं। मन का उद्वेग है, अशांति है, पीड़ा है। जिस शरीर के प्रति हमारा आकर्षण वो क्या है, ये चिंतन है। शरीर की स्थिति को देखना चिंतन है। आप जहाँ हैं अपने से पूछें, यहाँ मेरा क्या है, मेरा कौन है। बंदे कर ले आपने मेरा, मैं छोटा पद है सदगुरु का, लेकिन थोड़े में बहुत है। बंदे कर ले आपने मेरा, आप जियत लख हो आप ठौर कर, मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेते हो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा, कहीं कबीर सुनाओ संतो कठिन काल को घेरा। अरे बंदे तू अपने आप का छुटकारा कर ले, जीती जीती अपने को लग कि तू कौन है और अपनी स्थित बना, मरने पर तेरा घर कहाँ होगा। ऐसे सुनारे अवसर में नहीं जगा तो अंत में तेरा कोई साथी नहीं होगा। काल का घेरा बड़ा जबरदस्त है। थोड़े में उन्होंने सब कुछ कर लिया। काम लिया जाए थोड़ी बात से तो जीवन बदल सकता है, काम न लिया जाए तो बड़े बड़े ग्रंथ याद कर लिए जाए जहाँ के तहाँ हैं। कितने लोग हैं जो अकेले में बैठ करके अपने से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। आत्मचिंतन कितने लोग करते हैं। यहाँ इतने लोग बैठे हैं नर और नारी, सुबह शाम मध्यान्ह समय निकाल करके कितने लोग आत्मचिंतन करते हैं। समय व्यतीत करते हैं, समय तो सबका व्यतीत हो जाता है, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, काम धंधा करते, राग द्वेष करते, कला कल्पना करते, सोते जागते, समय सबका व्यतीत होता है। आत्मचिंतन में समय कौन व्यतीत करता है। संध्योपासना का जो विधान हिंदू परंपरा में किया गया था वो इसीलिए था। संध्योपासना का अर्थ यही नहीं कि वेद के मंत्रों का ही उच्चारण किया जाए तो संध्योपासना है। संध्योपासना नाम से जो चलता है वो वेद मंत्रों से जुड़ा है। लेकिन बात तो है आत्मचिंतन से। मुसलमान लोग संध्योपासना नहीं कहते हैं, नमाज कहते हैं, पांच वक्त उनका है। उसमें भी आत्मचिंतन की ही बात होनी चाहिए, लेकिन वो प्रार्थना करके रह जाते हैं। आर्य और सामी परंपरा में प्रार्थना की प्रधानता थी। वेदों को आप पढ़िए तो प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थनाएं भरी है। ईसाई लोग प्रार्थना करते हैं, मुसलमान लोग जो नमाज पढ़ते हो प्रार्थना ही, नमन प्रार्थना। प्रार्थना से आगे बढ़ करके चिंतन है। आज परंपरा में चिंतन बढ़ा और फिर ध्यान। सामी परंपरा में प्रार्थना की ही प्रधानता रही, ध्यान चिंतन करने वाले थोड़े हुए हैं। आज भी हैं सूफी संतों में, लेकिन कम है। प्रार्थना करने के लिए ही कोई अकेले बैठता है, अच्छा है, कुछ तो करता है। अधिकतम लोग तो कुछ नहीं करते। मुसलमानों में तो नमाज की बात है कि सब मुसलमान के लिए जायज है। सैयद शेख पठान मुगल मेहतर नाई धोबी कोई भी मुसलमान हो, सब नमाज पढ़े, सब मस्जिद में जाए और एक ही पट्टी पर बैठ करके साथ पढ़े। हिंदुओं का दुर्भाग्य, संध्योपासना का जो विधान भी है वो द्विजों के लिए। इसमें बैठे लोगों में तो शायद ही कोई को अधिकार नहीं,
द्विज का अर्थ है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिनका यज्ञोपवीत होता है, वही संध्योपासना कर सकते हैं, क्योंकि संध्योपासना में वेद मंत्र होते हैं और वेद मंत्रों को पढ़ना और उच्चारण करना ये द्विजों का अधिकार है, अधिज कल है ब्राह्मण का, बनिया का और ठाकुर का। ये दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन मूल वेद में ऐसा नहीं, ये पीछे वालों की लीला है। पीछे वालों ने बहुत गड़बड़ाया है, ये तो मैं कई बार आप लोगों के बीच में कहता हूँ कि आजकल के जो जगतगुरु कहलाने वाले हैं ये प्राय विद्वान होते हैं, लेकिन कहते हैं वेदों में अधिजों का और स्त्रियों का अधिकार नहीं, और चारों वेदों में कहीं एक लाइन में नहीं लिखा है कि वेद में किसका अधिकार है और किसका नहीं है, मानव मात्र का अधिकार है। जिसका बैल है वो कहता है हमारा बैल कोढ़िया है, दूसरा कहता है नहीं, जब हल में इसको जोड़ा जाता है तो एक एकड़ जोत डालता है, तो उल्टी पलटी बात रखती है। इतने बड़े बड़े विद्वान कहला करके उस जगत गुरु की गद्दी पर बैठे लोग कहते हैं अधिजों का और स्त्रियों का अधिकार नहीं, तो संध्योपासना का विधान जो हुआ उस द्विजों के लिए हुआ, बाकी लोगों को उन्होंने शूद्र कहा, और उनका तो यही काम है कि जो मोटा काम है वो करें, इसी में उनका कल्याण हो जाए, फुसलाया गया बहकाया गया। तथ्य है सबको संध्योपासना करनी चाहिए, संध्योपासना है संध्या काल में उपासना, प्रातः मध्यान्ह सायं आधी रात, ये चार संध्याएं हैं। काल की संधि को संध्या कहते हैं, रात बीत गई दिन आने वाला है, ये प्रातः की संध्या, दिन के दोनों पक्षों का मिलन दोपहर है, दोपहर संध्या, और शाम और रात ये दोनों जोड़, इस समय ये संध्या का समय है, तीसरी संध्या है, और आधी रात को चौथी संध्या है, रात के दोनों पक्षों का, इस प्रकार चार संध्याएं। किंतु रात में लोग सोते हैं इसलिए रात की संध्या को रद्द कर दिया गया, प्रातः मध्यान्ह और सायं ये तीन संध्या मानी गई, इसमें बैठ करके उपासना करो। उपासना का मतलब निकट बैठना, अपने निकट बैठो, उप आसना उपासना, उप निकट आसना बैठना, अपने निकट बैठो, अपने आत्मा के निकट बैठो, अपने को पहचानो, आप कौन हो, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, किसमें हो, किसके साथ हो, किसका साथ है। अगर आदमी वास्तविकता को सोचे तो उसके मन में वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य का मतलब घर छोड़ना और कपड़ा बदलना नहीं, अनासक्त। मैं राय देता हूँ कि जो घर छोड़ दिए हैं वे वैराग्य करें और जो घर में हैं वे वैराग्य करें। हर जगह हर आदमी को वैराग्य करना चाहिए, चित्त अनासक्त रहना चाहिए। वास्तविकता को हम जितना सोचेंगे चित्त उतना अनासक्त होगा। जगतपाल जी का लंबा परिवार, दर्रा के जगतपाल, जो पास का दर्रा है, बहुत प्रसिद्ध भक्त, 86 वर्ष की उम्र, आज से 2 वर्ष पूर्व मैंने कहा जगतपाल जी क्या उम्र है, साहब 84 पार कर तो तो सब समय हंसते रहते थे, विनोदी। कितने बच्चे हैं, हो उसकी ना कहो, ऐसे कहें अद्भुत, सदैव खुश। उनका घर है, लंबा घर है, लंबा परिवार है, लंबा खेत है, लंबा नाम भी है भक्तों में, लेकिन उनका कुछ नहीं,
तीन दिन से उनका कुछ नहीं, कैसा संसार है। और हम लोग आशा बनाए बैठे हमारा है, कितनी भूल है, नजरों नजर है और देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते, जानते तो सब है। जानना काम नहीं करता है जब तक चित्त में उसकी स्थिरता ना हो, और चित्त में स्थिरता होगी जब अभ्यास किया जाए। अभ्यास तो बकवास की, बकवास का अभ्यास सबके मन में है, राग का, द्वेष का, ईर्ष्या का, चिंता का, उद्वेग का, काम क्रोध लोभ मोह का, इसका अभ्यास है। चार लोग बैठेंगे, प्रपंच वार्ता शुरू, बकवास करेंगे। मृत्यु को सब जानते हैं कि मृत्यु जब सबकी है तो हमारा शरीर मृत्यु से रहित कैसे हो सकता है, लेकिन याद कितने समय तक लोग रखते हैं। कितनों का तो वर्ष वर्ष बीत जाता है, अपने शरीर के मृत्यु को सोचते ही नहीं। जब कोई मर जाता है तब लगता है कि सब बेकार है, और कोई योग्य व्यक्ति मर जाए तब और लगता है। कहीं ज्ञान की किताब पढ़े तो ख्याल आया, कहीं ज्ञान की बात सुने तो ख्याल आया, बाकी समय नहीं। जब आदमी उपासना करता है, भजन करता है, चिंतन करता है, तब इसकी आदत ज्यादा बनती है। जिस बात को आप सोचेंगे, जिसमें लाभ मानेंगे और जिस पर श्रम करेंगे, सोचेंगे, चिंतन करेंगे, जिसमें मन टिकाएंगे, वो काम आगे बढ़ेगा। इस चीज का महत्व ही लोग नहीं दे पाते हैं। अभिलाषा तो सबको परम शांति की, परम सुख की है, लेकिन परम सुख कहाँ मिलेगा इसका ख्याल नहीं। विषयों में सुख की कल्पना अनादि अभ्यस्त है, और भोगते भोगते जीवन बीत जाता, आदमी जहाँ का तहाँ रहता है। हर समय तृष्णा, हर समय असंतोष, हर समय प्यास, भूख, भोगों की भूख, भोगों की प्यास, सब समय बनी रहती है। भोगों से कोई आज तक तृप्त नहीं हुआ, तृप्त आत्म संतोष में हो, उधर ध्यान नहीं। भजन है आत्मशोधन, आत्मज्ञान, आत्मशोधन, आत्मस्थित, आत्मशांत, ये जीवन का फल है। आत्म का अर्थ होता है अपना, आत्मज्ञान, अपने को पहचानना, आत्मशोधन, अपने आप को अनात्मा से अलग विवेक द्वारा करना, आत्मस्थित, अपने आप में स्थिर हो जाना, इसी का फल आत्मशांति। ये कोई संप्रदाय की बात नहीं है, ये हर व्यक्ति की अपनी बात है। आत्मज्ञान पहला कर्तव्य है, आत्मज्ञान। तुम कौन हो, तो कितने लोग कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं। जीवन का फल क्या है, परमात्मा को पाना। ये सुनी सुनाई बात लोग कह देते हैं, परमात्मा कैसे पाओगे, परमात्मा पाने की कोई चीज नहीं है। परमात्मा पाने की बात बहुत चलती है, ईश्वर प्राप्त, ईश्वर के दर्शन। दर्शन जिसके होते हैं वो ईश्वर नहीं होते, जो ईश्वर होता है उसके दर्शन नहीं होते। दर्शन दृश्य का होता है, दृश्य जड़ है, दृष्टा ही ईश्वर है, वो आप है, आप खुद ईश्वर है। लेकिन ये बात भयावह लगती है, अस्वाभाविक लगती है। ईश्वर कोई अलग है जो बलवान है, शक्तिशाली है और सब कुछ कर रहा है, ये धारणा बहुत है।
ईश्वर ने दुनिया बनाई, जिसने दुनिया बनाई वही ईश्वर है, वही चला रहा है, तो चला तो ठीक नहीं रहा है। ईसाइयों का एक छोटा सा सम्मेलन हुआ था विद्वानों का इलाहाबाद में, कई वर्ष हो गए, वो है शायद 87 88 88 है। तो मुझे भी निमंत्रित किया था, इलाहाबाद में ईसाइयों का प्रशिक्षण केंद्र है और दक्षिणी भारत के वहाँ युवक युवती खूब भरे हैं, प्रशिक्षण होता है। तो एक कमरे में मीटिंग हुई थी, दो दिन की थी या तीन दिन की, उसमें हिंदू समाज के विविध शाखा के संत और विद्वान थे, ईसाई थे, मुसलमान थे। तो एक मीटिंग में भिन्न अध्यक्ष चुन लिया जाता था, तो एक आर्य समाजी विद्वान थे जो रसायन शास्त्र के व्याख्याता थे इलाहाबाद के, रिटायरमेंट उनका था, सन्यासी रूप में थे, वे अध्यक्ष थे, समय दे रहे थे। एक बुजुर्ग जो कोई बड़े अधिकारी पहले रहे होंगे, बड़े अच्छे, 75 वर्ष से कम उम्र नहीं, बड़े सौम्य, 5-5 मिनट उस समय बोलना था। उन्होंने कहा ईश्वर है तो धर्म है, ईश्वर है तो धर्म है, इस पर उन्होंने कई बार दोहराया, फिर समाप्त किया। उसके बाद मेरा नंबर था, फिर समाप्त था वो मीटिंग। मैंने कहा ईश्वर है तो धर्म है, ईश्वर होगा अपना धर्म जानता होगा, मनुष्य है तो धर्म है, मनुष्य के धर्म की जरूरत है। ईश्वर ने भले दुनिया बनाई हो लेकिन वो चला नहीं पा रहा। आतंकवादी आते हैं उपासना स्थल में, बंदूक से उड़ा देते हैं 10-20 को, और ईश्वर कुछ नहीं कर पाता, ईश्वर चला नहीं पा रहा। ये कहना था कि जो ठाकुर मचा सब हंस डाले, मौलवी और पादरी भी हंस डाले, क्योंकि बड़े कट्टर ईश्वरवादी होते हैं। हिंदू परंपरा के तो कोई विद्वान हो कट्टर ईश्वरवादी नहीं होते, आत्मवादी होते हैं, लेकिन मौलवी और पादरी कट्टर ईश्वरवादी होते हैं, लेकिन वो भी हंस डाले। और जिस विद्वान की प्रतिक्रिया में मैंने कहा था वो तो हंसते रह गए। जब समाप्त हुआ जलपान के लिए सब उठ खड़े हुए, तो इलाहाबाद के वाइस चांसलर रह चुके थे, अफसरी छोड़ दिए, मार्क्सवादी विचार के थे, प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने कहा आपने तो परम सत्य कह दिया, मैं कह नहीं पाया। मार्क्सवादी थे वो तो ईश्वर पर आलोचना अच्छी कर सकते थे, तो मैंने कहा आपको कुछ डर रहा होगा, अगर ईश्वर ने दुनिया बनाई है तो ये मानना पड़ेगा वो अधिक बूढ़ा हो गया। कई जगह देखा जाता है घरों में, जिसने घर बनाया हो, खेत खरीदा हो, सारी संपत्ति इकट्ठी की हो, खूब बाल बच्चे हो गए हो, लेकिन वो बूढ़ा गया हो 80-90 वर्ष का, तो एक किनारे वो पड़ा रहता है, कोई उससे कुछ बातें नहीं करता है, वो बेचारा कुछ भी राय नहीं दे पाता है, दे तो मानते ही नहीं, सब उसी का किया हुआ है, लेकिन एक तरफ पड़ा रहता है, कोई सुनने वाला नहीं। अगर ईश्वर ने दुनिया बनाई तो हो सकता है बनाया हो, लेकिन इतना बूढ़ा गया है कि एक किनारे पड़ा है, उसकी कोई बात सुन नहीं रहा, क्योंकि ईश्वरवादी लोग एक दूसरे को नास्तिक कहते रहते हैं, एक दूसरे को काफिर कहते हैं, और एक दूसरे के मंदिर मस्जिद को तोड़ते हैं, एक दूसरे के ईश्वर को गाली देते हैं, कट कहते हैं। वो एक बार थोड़ा आवाज दे करके कह देता कि मैं सबका पिता अकेला एक हूँ, तुम लोग लड़ो ना, तो ठीक हो जाता, कुछ नहीं बोल पा रहा। अगर उसने दुनिया बनाई तो निश्चित वो अत्यंत जर्जर है और कुछ कर नहीं पा रहा, किंतु क्या दुनिया बनी है कहीं से?
दुनिया में क्या बनती है आप देख लीजिए, मिट्टी बनती है, मिट्टी तो सब समय है, पानी भी सब समय है, आग भी सब समय है, हवा भी सब समय है, ये तो नित्य है ही। और इनके बीच में जो बनता है तो नित्य बनता बिगड़ता रहता है, तो नए सिरे से दुनिया कहाँ से बनती है? दुनिया सब समय है, दुनिया कहीं से बनती नहीं। तो वेद के ऋषि भी कहते साहेब तो बीजक में कहे ही हैं, तहिया होते पौन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। जब पहले पौन पानी नहीं थे तो दुनिया सृष्टि को किसने उत्पन्न कर दिया? मूल द्रव्य होगा तो उसी में तो कार्य होगा। मूल द्रव्य नित्य है, उसके गुणधर्म नित्य है, उसके गुणधर्मों से सृष्टि नित्य है, कहाँ से बनेगा? सब समय है। वेद के ऋषि भी कहते हैं को ददर्श प्रथमम जायमानम अस्तनवंतम यद अनस्था विभर्त भूम्या प्रकृति, को ददर्श प्रथमम जायमानम अस्तनवंतम यद अनस्था विभर्त, किसने देखा है? जो सूक्ष्म प्रकृति है पूरे स्थूल जगत को लेकर के चल रही है उसको उत्पन्न होते किसने देखा? अस्तनवंतम यत अनस्था विवाद, अनस्था हड्डी रहित, अस्था हड्डी वाली, ये जगत हड्डी वाला है, पेड़ पहाड़ सब पार्थिव पदार्थ है, लेकिन सूक्ष्म प्रकृति में ये सब नहीं है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म कणों का प्रवाह है वो प्रकृति है, उस प्रकृति से स्थूल जगत बनता है। उस मूल प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा? ये वेद के ऋषि, ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं। भूमि असुर सृगात्मा क्वसित, को विद्वान उपगात पृष्ठमेतत्, को विद्वान उपगात पृष्ठमेतत्, भूमि असुर सृगात्मा क्वसित, भूमि से अस और असृक बन गया, भूमि जमीन, यहाँ का लक्षण करते जड़ प्रकृति, असु प्राण, असृक रक्त, इसका लक्षण करते सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये बन गए जड़ प्रकृति से, सूक्ष्म शरीर बन गया, स्थूल शरीर बन गया, आत्मा कौन से? आत्मा क्या है? को विद्वान उपगात प्रश्न में तत्, कौन विद्वान के पास जाता है इस बात को पूछने के लिए? आज जैसे सत्यता है वैसे उस काल में थी, वैदिक युग में भी आत्मा को समझने के लिए कौन चिंता करता है? ऋषि कहते हैं को विद्वान उपगात प्रश्न में तत्, कह विद्वानम उपगात प्रश्नम एतत्, एतत् इतनी बात प्रश्नम पूछने के लिए, को कह कौन विद्वानम उपगात विद्वान के पास जाता है? सूक्ष्म प्रकृति जो ये अनंत विश्व ब्रह्मांड को लेकर के निरंतर गतिशील है उसको उत्पन्न होते किसने देखा है? सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर जड़ प्रकृति से बन गए ये तो समझ में आता है, लेकिन आत्मा वो तो जड़ से नहीं बन सकता, उस आत्मा के विषय में कौन पूछने वाला है, किसको परी? आज जैसे मना है वैसे पहले भी था, आज जैसे अच्छा बुरा है वैसे पहले भी था, पहले का जमाना दूध का धोया था, आज खराब है आगे और खराब आएगा ऐसा कुछ नहीं, सब समय वही संसार है। आज भी जो अपना कल्याण करना चाहे उसके लिए सतयुग है। तो ऋषि कहते हैं कि किसने देखा है मूल प्रकृति को उत्पन्न होते? जगत नित्य है, ईश्वर की अवधारणा मनुष्य के आत्मबोध के अभाव का फल है, जिसे आत्मबोध हो जाएगा अलग ईश्वर की कल्पना नहीं करेगा, इसीलिए वैदिक ऋषियों ने अहम ब्रह्मास्मि कहा, मैं ब्रह्म,
तत्त्वमस वह तू है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञान ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म है, और इसका असर सगुण उपासकों में भी है। सगुण उपासक की किसी पुस्तक में देखो तो बात समय से आ जाती है कि हृदय निवासी वो है, प्रकृत पार प्रभु सब और वासी, गोस्वामी जी कहते हैं प्रकृत पार प्रभु सब और वासी, प्रभु प्रकृत से परे है और सबके दिल में बैठा है। अब आप सोचिए, आपका भी दिल है तो उसमें दो बैठे हैं कि एक बैठा है? अपने आप में अनुभव कीजिए कि इसमें दो दृष्टा है कि एक दृष्टा है। एक दृष्टा है जो आप हैं, आपके अलावा भी कोई दृष्टा उसमें भर भगवान अलग से बैठा है? तो जो प्रकृत पार है और सबके उर्वे बसा है वो ये जीव ही है, इसी को ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। आत्मबोध पंडित महात्मा लोग चिंतन नहीं करते हैं, ज़्यादातर तो सस्ता नुस्खा बांटने में लगे रहते हैं। भगवान, एक भगवान जबरदस्त बना लेते हैं, उसको खुश कर दो, उसका नाम ले लो, उसको लड्डू चढ़ा दो तो सब फल आपको दे देगा, दूध पूत दे देगा और मोक्ष भी दे देगा। ये रास्ता बहुत सरल है और इसमें लोगों को फुसलाया अच्छा जा सकता है, त्याग वो करने कोई ज़रूरत नहीं, भगवान का नाम लो सब काम हो जाएगा। इसमें बहुत सस्ते सस्ते नुस्खे बने, ये भटकाव है। घट घट में वही साई बसत है, ही वास्तविकता है। घट घट में जो बैठा है प्रकृत पार प्रभु सब उर्वासी, वो जीव ही है, आत्मा ही है, वही परमात्मा है और कोई अलग परमात्मा नहीं। आत्मबोध सही होना चाहिए। आत्मबोध में ये ज्यादा ढिढोरा है कि आत्मा व्यापक है, एक अखंड वस्तु अगर सर्वत्र व्यापक हो तो दुनिया में दुनिया होगी नहीं, हलचल नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी। एक वस्तु हो और ठोस हो, अखंड हो और सब जगह हो तो गमनागमन कैसे होगा, क्रिया कैसे होगी? एक आत्मा व्यापक है ये कहना गलत है। आत्मा एक नहीं है, अनेक है। देखो इतने लोग बैठे हैं, उपदेष्टा और उपदेश सुनने वाला दोनों एक कैसे है? एक है का मतलब है सभी आत्माओं के गुण एक हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वालिटी में एक है, क्वांटिटी में एक नहीं, संख्या में अनेक है। लेकिन भावुकता में लोग बहते हैं, आत्मा एक है और व्यापक है। व्यापक शब्द महिमा परक है, व्यापक मतलब महान है, आत्मा महान है। शुद्ध में कहा गया अड़ो रड़ियाम महतु महियान, वो अणु से अणु है और महान से महान है, स्वरूप से अत्यंत सूक्ष्म है लेकिन शक्ति से अत्यंत बलवान है। सारा ज्ञान विज्ञान किसका है? लोग कहते हैं मनुष्य अल्पज्ञ, अल्पज्ञ बहुज्ञ और सर्वज्ञ, ये तीन बातें हैं। अल्पज्ञ और बहुज्ञ होते हैं, सर्वज्ञ की केवल कल्पना है, अल्पज्ञ जो कम जाने और सर्व और बहुज्ञ जो ज्यादा जाने, इसमें भी कई श्रेणियां हो जाएंगी। और सर्वज्ञ का अर्थ है जो सब कुछ जाने, तो उसकी कल्पना है, ईश्वर है जो सर्वज्ञ सब कुछ जानता है। ईश्वर के विषय में हमारी कल्पना है कि ईश्वर हर जगह है और सब कुछ जानता है और कुछ भी कर सकता है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र व्याप्त है। और ये कल्पना बड़ी सुंदर है, ये कल्पना इसलिए है कि हमें दुख न हो, क्योंकि हर जगह वो है, वो गलत होने ही नहीं देगा, लेकिन गलत होता है। गत वर्ष में बंबई में रेलवे में विस्फोट कई जगह एक ही दिन हुआ,
निरपराध लोग मारे गए, और खाली बंबई पात नहीं है, रोज रोज तो होता है दुनिया में अत्याचार दुराचार हत्या कुकर्म। जहां ये सब होता है वहां वो है और जानता है कि ये होने वाला है और रोक सकता है लेकिन रोक नहीं पाता, तो उस पर कोई प्रतिबंध लगा हुआ और आज तक वो प्रतिबंध हटा नहीं, तो उससे क्या आशा की है? तो ये सुंदर कल्पना है, तथ्य नहीं। तथ्य यह है कि सर्वत्र नियम है, जो करोगे वो भरोगे, कोई रोकने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, खुद खुद को संभालना होगा। परमात्मा हर आत्मा है, व्यापक कोई वस्तु दुनिया में नहीं है, सब अलग अलग है। व्यापक महिमा परक शब्द है, सर्वज्ञ कोई नहीं, सर्वज्ञ का आंशिक अर्थ हो सकता है। जैसे साइकिल बनाने में कोई निपुण है तो साइकिल बनाने में वो सर्वज्ञ है, ये कह दिया जा सकता है। अपने विषय में सर्वज्ञ कह दिया जा सकता है, लेकिन सर्वथा सर्वज्ञ कोई नहीं है। आत्मा के विषय में सही बोध होना चाहिए। आप जो आत्मा या परमात्मा कहते हैं, मोक्ष और निर्वाण कहते हैं, सुख और शांति चाहते हैं, वो आप कौन है? जीवन भर का घात प्रतिघात किस पर होता है? निरंतर सुख और दुख की अनुभूतियां कौन करता है? दुख से कौन भागता है? निर्भय सुख कौन चाहता है? वो आप है, आप ही परमात्मा है, आप ही ब्रह्म है, आप ही ईश्वर है, आप ही खुदा है। आपसे अलग ईश्वर परमात्मा ब्रह्म कहीं कोई नहीं। प्रकृत पार प्रभु सब उर्वासी, सब उनमें जो वसा है वो प्रकृत से पार है, निश्चित शुद्ध आत्मा है, और वो एक दूसरे से अलग अलग है। उसे अपने को पहचानना होगा, गिड़गिड़ाने से काम नहीं बनेगा। अपने को समझो और अपने विकारों को दूर करो, आत्मा को समझो। आप अजर अमर शुद्ध सबसे असंग अकेला हो, आपके साथ कोई नहीं, जितना संबंध बनेगा सब छूट जाएगा, जीवंत में अकेला ही जाएगा, अकेला रहेगा सब समय। भीड़ के बीच में रहते हुए भी हमारे सुख दुख की अनुभूति हमें ही होती है, इसलिए सब समय जीव अकेला है। दुख में तो सदैव अकेला लगता है, भयंकर शरीर में पीड़ा हो रही है, कोई आकर के हमसे गले मिलना चाहे, प्रेम की बात करना चाहे, हमें बेचैनी हो, भाई हट जाओ, दुख में कुछ अच्छा नहीं लगता है। जीव अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, वही आत्मा है, वही प्रकृत पार है, वही प्रभु है। ये आत्मबोध सही होना चाहिए। जो ये मोह है कि हमसे अलग कोई है जो सर्वशक्तिमान है, ये मोह हटे बिना आत्मज्ञान सच्चा नहीं होगा। अभी मेरा कैंप लगा था इलाहाबाद मेले में, हर साल लगता है, सप्ताह भर के लिए मैं भी जाता हूँ। तो एक पंडित जी बहुत समझदार योग मेरी उम्र के थे, बम्बई से गए थे, वहीं उनका घर है, लेकिन बम्बई में उनका बड़ा व्यापार चलता है। तार्किक, कहे महाराज भगवान से तो बड़ा चोर है, रात में आता है मंदिर में, मुकुट उकुट सब बटोर करके ले जाता, जानते हैं भगवान वह नहीं, तारके कितने। लेकिन जब बात होने लगी तो कहे कि ऐसा लगता है कि हमसे अलग कोई शक्तिशाली है। हम कहे तो वो शक्तिशाली क्या कर रहा है? आज तक आप उससे सुधरे नहीं, आपका हित नहीं हुआ, और शक्तिशाली सदैव बना है। तो बेचारे बड़े हताश हुए। हम कहे अपनी शक्ति को जब तक न समझोगे, शक्तिशाली की कल्पना किए बैठे रहो, ऐसे कैसे रहोगे? अपनी शक्ति को समझो। कि अच्छा, अब मैं आपकी बार आऊँगा,
तो आपके पास बैठूंगा, तो मैं कल जा रहा हूँ और इस पर ठीक से सोचना है। पात्रता उनमें है, पुस्तकें शायद काफ़ी खरीदे होंगे, कहीं मैं अभी सब खरीद लेता हूँ, बड़ी बड़ी पुस्तकें, क्योंकि केवल खरीदना नहीं मनन करना पढ़ना, ये मन में होता कोई अलग तो है, वो हमारा हमारे ऊपर कृपा करेगा तो हमारा काम होगा। आप अपनी कृपा जब तक अपने ऊपर न करोगे आपका काम नहीं होगा, कोई आप पर कृपा करने वाला नहीं है, और जो कृपा करने वाले हैं सबकी कृपा आपके ऊपर है, आपकी कृपा अपने ऊपर नहीं है। अपनी कृपा अपने ऊपर करो तो आत्मबोध पक्का होना चाहिए। जब तक परोक्ष का भ्रम न कटेगा अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा। प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष तीन बातें हैं। प्रत्यक्ष है पांचों विषय जो स्थूल जगत दिखाई देता है, परोक्ष है देवता ईश्वर इत्यादि जो मन की अवधारणा है, और अपरोक्ष है इन दोनों का दृष्टा जो प्रत्यक्ष जगत को देखता है और परोक्ष देवताओं और ईश्वर की कल्पना करता है। नए नए देवता और नए नए ईश्वर गढ़ता रहता है। अपरोक्ष का बोध प्रत्यक्ष परोक्ष से ऊपर उठे बिना नहीं होगा। प्रत्यक्ष जो जगत की माया है, इस माया की आसक्ति को जब तक कम न करोगे अपने आत्मा पर विश्वास नहीं होगा। आसक्ति जितनी घटेगी आत्मा का ज्ञान उतना प्रबल होगा। और जब तक बाहर ईश्वर और देवता की कल्पना करते रहोगे अपने बल को नहीं समझ सकते। इसलिए आत्मज्ञान ठीक से होना चाहिए। अपने को पहचानो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त ब्राह्मण बोधत, उठो जागो, बड़े पुरुषों के पास जाओ अपना बोध प्राप्त करो। ये श्रुत के ऋषियों ने कहा। श्रुत के ऋषियों ने रोने के लिए नहीं कहा, गिड़गिड़ाने के लिए नहीं कहा। उपनिषद का चिंतन आत्मा परक है, लेकिन पंडित लोग उसका विकास नहीं किए, पुराणों का विकास किए, क्योंकि उसमें उनका धंधा ज़्यादा चलने वाला था, ज़्यादा लोग धंधा पर ध्यान दे देते हैं, इसलिए सत्य अलग रह जाता है। तो आत्मा का ज्ञान, फिर आत्मा का शोधन। शोधन का अर्थ है जैसे कि चावल में कंकड़ है, कीड़े कचड़े कंकड़ को हटाने की क्रिया चावल का शोधना है। जब सब विजात तत्व तो निकल गए तो चावल रह गया शुद्ध। तेल का शोधना, पानी का शोधना, जिस चीज को हम शोधते हैं उसके अतिरिक्त वस्तुओं को हटा देते हैं, वही शोधना कहलाता है। आत्मशोधन, अपने से अलग वस्तुओं को चित्त से हटाओ, ये आत्मशोधन है। ये स्थूल शरीर अन्नमय कोश है, जो हाड़ चाम का ढांचा है, ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये जड़ है, अपावन है, मैं शुद्ध चेतन हूँ। दूसरा प्राणमय कोश है, शरीर भर में जो हवा व्याप्त है वो प्राण, अपान समान व्यान उदान किरकल धनंजय देवदत्त नागपुर में इत्यादि दस नामों से जो विभाजित है, वो शरीर में जो प्राण है हवा का अंश, ये प्राणमय कोश है। ये प्राणमय कोश में नहीं सुसुप्ति अवस्था में प्राण बड़े जोरों से चलते हैं, लेकिन ज्ञान कुछ नहीं रहता है। प्राण ज्ञान स्वरूप नहीं है, प्राण तो हवा का अंश है। मैं प्राण नहीं, प्राण में कोश नहीं। तीसरा है मनोमय कोश, जो उससे भी सूक्ष्म है। स्मृतियों का जितना कुछ बंडल है वो मनोमय कोश है। स्मृतियों यादगिरियों जो जो याद होता है वो सब का समुच्चय, ये मनोमय कोश है। ये भी मैं नहीं, देख सुन भोग करके इसकी रिकॉर्डिंग हुई है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। जो जो ख्याल होता है वो मेरा आत्मा नहीं है, तो दृश्य का स्मरण है। चौथा है विज्ञानमय कोश,
विज्ञान में कोष बुद्धि का प्रकाश, बुद्धि का प्रकाश कम बेस है, कोई ज़्यादा तीव्र बुद्धि का है, कोई मंद बुद्धि का है, लेकिन वह भी मैं नहीं हूँ। सारा संग्रहित ज्ञान अस्मृत दोष आए तो भूल जाता है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन 33 भाषाओं का ज्ञाता, दुनिया में अधिक देशों में भ्रमण करने वाला, 100 से अधिक पुस्तकों का लेखक, जब उसको अस्मृत भ्रंश दोष हुआ तो कुछ नहीं जानता था। एक बार कांपते हुए दिल्ली में अपने मित्र का हाथ पकड़ करके उठा और कहा, क्या मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ? भिक्ष धर्म रक्षित जो काशी सारनाथ के महाबोधि सभा के अध्यक्ष थे और प्रिंसिपल थे उस हाई स्कूल या कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे बताया कि अगर राहुल जी जाते तो उनको फिर से काखा गाखा पढ़ाना पड़ता, लेकिन जिए नहीं, मर गए। सारी स्मृतियां और ज्ञान का सारा बंडल ये भी अर्जित है, औपाधिक है। मूलतः आप ज्ञान स्वरूप हैं, लेकिन ज्ञान का जितना खजाना इकट्ठा किए हैं वो उपाधि से संबंध रखता है, उपाधि नाम संबंध, देह मन बुद्धि से वो सब अर्जित है, वो ही मैं नहीं। कोई विवेकवान ये नहीं मानता मैं ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा विद्वान, ये बहुत बड़ा विद्वान होना उपाधिक देह संबंध में और आनंदमय कोष पांचवा कोष। अनुकूलता मिलने पर सुख की अनुभूति होती है, अनुकूल प्राणी, अनुकूल पदार्थ, अनुकूल परिस्थिति जब मिलते हैं तो सुख की अनुभूति होती है, ये आनंदमय कोष का लक्षण है। ये भी मैं नहीं, अनुकूलता आई प्रतिकूलता आ जाती है, वो भी स्थिर नहीं है। ना मैं प्राणमय कोष, ना मैं अन्नमय कोष हूँ, ना प्राणमय कोष हूँ, ना मनोमय कोष हूँ, ना विज्ञानमय कोष हूँ, ना आनंदमय कोष हूँ। इन्हीं कोषों में जीव लिपटा रहता है। पहले तो स्थूल शरीर ही को अपने माना अपना माना रहता है, मैं स्थूल शरीर हूँ, ये आँखें मेरी हैं, ये दंत पंक्त मेरी है, ये गोरा और सांवला चाम मेरा है, देह बुद्धि बनी रहती है। फिर प्राण में अहंकार, सांस में अहंकार, फिर मन में अहंकार, मान्यताओं में अहंकार, फिर ज्ञान अर्जित ज्ञान में अहंकार, फिर अनुकूलता के सुख में अहम अहम का अहंकार, इस प्रकार जीव इसमें लिपटा रहता है, इसीलिए सुखी दुखी होता रहता है। सुखी क्या, दो दुखों के अंतराल को सुख कहते हैं, सुख कुछ नहीं, एक दुख बीत गया है, दूसरा दुख नहीं आया है, बस सुख। और सुख क्या है, हरदम दुख तो भोग रहा है। जगी सभ्य और आवट्य ऋषि की कथा आती है, है काल्पनिक, इस सांख्य परंपरा के दोनों ऋषि थे, उनके विषय में बातों को समझाने के लिए पंडितों ने कल्पना कर दी। जगी सभ्य उच्च ऋषि थे और आवट्य उनके पीछे थे, दोनों से मुलाकात हुई तो कहा जाता है जैगी सभ्य ऋषि को 10 सर्गों में जितनी जिंदगी उन्हें मिली थी सब याद हो गई थी, 10 सर्गों में एक सर्ग एक ब्रह्मा की आयु है, ऐसे 10 ब्रह्मा के जीवन काल की जितने जन्म उनके थे सब की याद हो गई। और ब्रह्मा की जिंदगी कितनी लंबी होती है, इसको थोड़ी बानगी ले लीजिए, हम लोगों के 4,32,00,000 वर्ष जब बीतते हैं तो ब्रह्मा का दिन होता है, अब इतने की रात, तो 8,64,00,000 वर्ष हम लोगों के उनके 24 घंटे हैं, ऐसे 30-24 घंटे का महीना और 12 महीना का वर्ष और 100 वर्ष की आयु,
ये इतना एक ब्रह्मा का ब्रह्मा की आयु होती है, ऐसे 10 ब्रह्माओं के आयु पर्यंत जेगी सिविरिस जहाँ जहाँ देह धरे थे सब की याद हो गई। तो आवट्ट ने कहा, भगवान इतने लंबे अंतराल में आपको सब याद है, सुख ज़्यादा मिला कि दुख ज़्यादा मिला? जेगी सिब ने कहा, केवल दुख मिला, सुख कहीं मिला ही नहीं। तो कहे, महाराज संतोष जो परम सुख है उसको भी आप दुख में ठेल दिए। तो कहे, देखो तृष्णा का दुख है इसलिए संतोष सुख है, तृष्णा न हो तो संतोष की भी जरूरत नहीं। ये बात कितनी खरी है, श्री काशी साहब की बात याद आती है कि सुख स्वरूप जीव नहीं जानो, जीव के स्वरूप में कोई सुख नहीं है, दुख नहीं है, सुख नहीं है, दुख सुख से परे परंपरा है। लेकिन सामान्य लोगों के लिए कहा जाता भाई सुख है, क्योंकि दुख नहीं है तो सुख है, सुख ही की तो फांसी है, सुख ही तो भटका रहा है, सुख के लिए लोग भटक रहे हैं। एक स्त्री के शरीर में सुख है तो पुरुष ललचाता है। अब स्त्री के शरीर में सुख हो तो अपने शरीर के सुख को लेकर के वो सुखी रहे, तो पुरुष के शरीर में वो क्यों ललचाती है? और पुरुष के शरीर में सुख है तो पुरुष अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहे, वो स्त्री के शरीर में क्यों ललचाता है? दोनों को भ्रम है, न वहां सुख है न वहां सुख है, ये सुख की फांसी है। सुख के चक्कर में सब दुख भोग रहे हैं। तो जगदीश सिंह ने कहा कि तृष्णा दुख है इसलिए संतोष सुख है, तृष्णा न हो तो संतोष की जरूरत ही नहीं। इतना ऊंचा ज्ञान, तो ये कल्पना भी ऐसा कोई यादवत नहीं होता है। कहानियाँ प्रायः काल्पनिक हुआ करती हैं बातों को समझाने के लिए। आप लोग सब कल्पना कीजिए, जब से जन्म लिए क्या सुख पाए, थपेड़े थपेड़े थपेड़े, और उसी में थोड़ी खुजलाहट बीच बीच में हो गई, वही सुख मान लिए, और वही खुजलाहट दुख की जड़ है। जहाँ जहाँ सुख माने हैं वही दुख दिया, लेकिन ये समझना कठिन है। विशाल साहब ने कहा है, जग दुख देखब कठिन है और साहस सब बात। जगत में दुख देखना कठिन बात है और बात सब सहज है। पतंजलि महाराज ने कहा, दुख में वो सर्वम विवेकिना, विवेकवान को सब दुख में लगता है, अविवेकी तो उसमें सुख की कल्पना करता, भटकता है, क्योंकि दृष्टि उसकी साफ नहीं है। आत्मशोधन का अर्थ है अनात्मा से अपने को अलग करने का चिंतन करना। मैं देह नहीं हूं, प्राण नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, जो कुछ संबंध है वो संबंध में नहीं हूं, असंबंध अकेला। जब ऐसा चिंतन करने लगे साधक तो धीरे धीरे उसे स्वयं अनुभव आत्मशोधन इसे कहते हैं, तब आत्मस्थित। आत्मशोधन से आत्मस्थित होती है, आत्मा में ठहरा। सनत कुमार ने नारद को समझाते हुए छांदोग्य उपनिषद में कहा है, बहुत लंबी चर्चा है, अंत में जो अंश है गद्यात्मक मंत्र है वो, और अंत का वो अंश है आहार शुद्ध हो सत्यशुद्धि सत्यशुद्ध हो ध्रुवास्मृति स्मृति लंबी सर्वग्रंथि नाम भी प्रमोक्ष। आहार के शुद्ध होने से सत्य शुद्ध होता है, सत्य शुद्ध होने से चित्त स्थिर होता है, और स्थिरता से सारी गांठें कट जाती हैं। आहार का अर्थ है जो कुछ हम आहरण करें, आहरण का अर्थ है खींचना लेना, आँख से रूप, नाक से गंध, कान से शब्द, जीभ से रस, चाम से स्पर्श, मन से संकल्प विकल्प, इन सब का हम आहरण करते हैं, खींचते हैं, ग्रहण करते हैं, इसलिए आहार है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध और संकल्प विकल्प ये आहार है। ऋषि कहते हैं आहार शुद्ध, जब ये शुद्ध हो जाते हैं, जब हम ठीक देखते हैं, ठीक सुनते हैं,
ठीक सूंघते हैं, ठीक चीखते हैं, ठीक छूते हैं, ठीक सोचते हैं, तब सत्व सत्व का अर्थ है अंतःकरण दृढ़, तो साफ हो जाता है, मलिनता नहीं रहती। सत्य शुद्ध हो, जब सत्य शुद्ध हुआ, चित्त शुद्ध हुआ, तो ध्रुवा स्मृति, स्मृति ध्रुवा हो गई, यानी चित्त स्थिर हो गया, सुबस हो गया, तब सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, सभी ग्रंथियां कट गई, विप्रमोक्ष कट जाना, पूरी तरह से कट जाना। ग्रंथियां हैं मानसिक विकार, क्रोध काम लोभ मोह राग द्वेष चिंता उद्वेग चिपकाहट जगत से, ये ग्रंथियां कट जाती, बिल्कुल आपके सिद्धांत के अनुसार, पारक सिद्धांत के अनुसार। इसलिए श्री काशी साहब ने लिखा है अपने ग्रंथों में कि पारखी संत जुग जुग से होते आए, पारखी परंपरा कबीर साहब से है, लेकिन पारख जीव का स्वरूप है तो सदा से है। यास मुनि ने निरुक्ति में वेद मंत्रों का भाष्य करती हुई ये चर्चा की है। यास मुनि ईसा से 800 वर्ष पहले हुए हैं, आज से 2800 वर्ष पूर्व यास मुनि हुए हैं। वेद को समझने के लिए उनका निरुक्त बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। निरुक्त में उन्होंने किसी ऋग्वेद के मंत्रों को खास लिया है, ऋग्वेद ही तो खास वेद है, तो ऋग्वेद के मंत्र कोई मंत्र उठाया है तो उसमें बताया है कि ये निरुक्तकार इसका ये अर्थ करता है, अमुक निरुक्तकार ये अर्थ करता है। तो उन्होंने 22 निरुक्तकारों की चर्चा की है, लेकिन उन 22 का निरुक्त नहीं है, लुप्त है, केवल यास मुनि का है। यास मुनि के निरुक्त से ही उन 22 का पता चलता है। और उसी में उन्होंने जगह जगह कहा है कि आत्मवादी इसका ये अर्थ मानते हैं, तो आत्मवादी का जो अर्थ उन्होंने दिया है बिल्कुल पारक सिद्धांत के अनुसार। तो सब समय पारखी थे, परखने जीव पारखी है, जीव का स्वरूप ही पारख है, और आत्मशोधन कभी कोई कर सकता है, इसमें पारक सिद्धांत की तहीनी नहीं, व्यापकता है। सब समय जीव का स्वरूप ही पारक है, निष्पक्ष हो जाए बस पारखी पूरा हो जाए, पक्ष पकड़े रहता है इसलिए उल्टा सीधा मानता रहता है। और पारखी का लक्षण है निष्पक्ष रहना, कहीं से पक्षपात न करना। तो आत्मस्थित, आत्मबोध, आत्मशोध, आत्मस्थित, फिर आत्मशांति, ये जीवन का लक्ष्य है। अपने को पहचानो, परमात्मा को नहीं, अपने को पाओ, परमात्मा को नहीं। हाँ, जब अपने को पा जाओगे तब समझ जाओगे परमात्मा को पा गया, मोक्ष को पा गया, खुदा को पा गया, निर्वाण को पा गया। जितने पारमार्थिक शब्द बड़े बड़े हैं उन सब की चरितार्थता आपके सत्व में, आपके आत्मा में। तेल और पेट्रोल के स्रोत जमीन में है, पानी के स्रोत हैं, रत्नों की खान है, कोयले की खान है, पत्थर की खान है, चूने की खान है, ज्ञान की खान और स्रोत कहीं है, वो मनुष्य है, आप है, आत्मा है। कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान तो ईश्वर की देन है, हम लोग अल्पज्ञ हैं, ये फिर अविवेक की बात कही जाती है। ईश्वर को ईश्वर कहने वाला कौन है? आप है। आपने ईश्वर की कल्पना की है, आपने देवताओं की कल्पना की है, आपने अनेक ईश्वरों को और देवताओं को गढ़ा है, आप ईश्वरों के ईश्वर हैं, देवताओं के देवता हैं, ब्रह्म के ब्रह्म हैं, परमात्मा के परमात्मा हैं। अपनी सत्ता और महत्ता को समझो, कर बहिया भला अपनी छाड़ बिरानी आस, आपन आस कीजे बहुतेरा, काहुल मर्म पावल हर केरा, परोक्ष हरि का मर्म कोई नहीं जाना, अपनी आशा करो, अपना भरोसा करो, अपने को पहचानो।
ये मानव जीवन की सफलता है आत्मबोध, आत्मशोध, आत्मस्थित, आत्मशांत में। आजकल में देखते देखते सब खो जाएगा। देखो साथी मित्र सब चले जा रहे हैं। इस समय हमारे दो भक्तों की याद आती है, गुलाब सिंह की और जगत पाल की। ये दोनों वरिष्ठ भक्त थे हमारे, चले गए, अब उनका कुछ नहीं। अगर वे जन्म लें उसी दर्रा में और जगतपाल जगत जन्म ले करके थोड़ा बड़े हो करके जाएं घर में, तो घर वाले डांटेंगे, कहाँ तुम आ गए, हट यहाँ से। उस घर में उनका कुछ भी नहीं होगा। और यही सबके, केवल जगतपाल के लिए नहीं, हम सब के लिए। हमारा इस संसार में कुछ नहीं है, हमारा अपना आत्मा है। आत्मा को पहचाना है, आत्मा को समझें, आत्मा को शोधें, आत्मशांति प्राप्त करें, यही जीवन का परम फल है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इन पर मेरे उद्धव जी की टीका उपलब्ध है और अन्य भी बहुत से ग्रंथ है। साथ ही देखिए आप गुरुदेव जी के प्रश्नों के सीधी और कैसे जब चाहे तब आप गुरुदेव जी के विचारों को घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। गुलजारी लाल जी बता वाले यहाँ आपका डॉक्टर राम बाप बखेरा आदि की बखेरा आप इंतजार कर रहे हैं। गुलजारी लाल साहू पटपता जोशी वाले आवाज सुनते हो यहाँ पर आ जाए। कल का कार्यक्रम होगा सुबह 9 बजे से 12 बजे और 2 बजे से 5 बजे। समय सुनिश्चित होए और सत्संग का पूरा पूरा लाभ उठाएं।